दोस्तों आपके YouTube चैनल टारगेट विद मानवी में आप लोगों का स्वागत है। आज ही कुछ स्पेशल वैकेंसी निकल के आई यूपी पुलिस एएसआई मिनिस्टर की वैकेंसी है। यहाँ पे 2021 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। टोटल पोस्ट हैं 1277 पोस्ट हैं, ठीक है। यूपी पुलिस में एसआई एंड एएसआई बनने का मौका निकल के आया है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें हम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएंगे और कब से फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होंगे, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले आपको दिखा दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट प्रमोशन बोर्ड, ठीक है, यूपी पुलिस एएसआई अकाउंटेंट एंड रिक्वायरमेंट 2021। यहाँ पे एप्लीकेशन बिगिन, एप्लीकेशन कब से बिगिन हो जाएगी, 1/5/2021 से आपके फॉर्म क्या फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 31/5/2021 तक होंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम डेट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द बता दी जाएगी। एडमिट कार्ड भी, जनरल की फीस है 400 एंड ओबीसी की 400 फीस है, एससीएसटी की 400 है, ऑल कैटेगरी फीमेल्स की भी 400 ही फीस है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 28 ईयर्स ली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एएसआई की जो है वैकेंसी है वो टोटल पोस्ट हैं 295 हैं एंड एलिजिबिलिटी इसमें क्या है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए लेकिन बैचलर डिग्री होनी चाहिए। हिंदी में टाइपिंग लिया जाएगा 25 वर्ड पर मिनट एंड इंग्लिश में टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट एंड स्टेनोग्राफर हिंदी में 80 वर्ड पर मिनट एंड ओ लेवल एग्जाम पास होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, एएसआई पोस्ट के लिए, ठीक है। फिर हो गई दूसरी आपकी पोस्ट, हो गई एएसआई क्लर्क की, ठीक है। इसमें 624 पोस्ट है, इसमें भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी रिकोगनाइज बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से, ठीक है। हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड मिनट्स एंड इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड मिनट्स एंड ओ लेवल एग्जाम पास इसमें भी ले रहे हैं, ठीक है। फिर हो गई आपकी एएसआई अकाउंट की जो होगी पोस्ट, उसमें 358 पोस्ट है एंड बैचलर डिग्री इन कॉमर्स बीकॉम होना चाहिए। कॉमर्स मतलब कि आप बीकॉम किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबिलिटी हैं, एलिजिबल हैं, ठीक है। हिंदी टाइपिंग 15 वर्ड पर मिनट एंड ओ लेवल इसमें भी पास होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसमें मेल की जो जनरल और ओबीसी एससी की हाइट 163 सेंटीमीटर ली जाएगी और चेस्ट 77 एंड फुलाने के बाद में 82 एंड रनिंग नहीं होगी, ठीक है। मेल की मेल में भी एसटी जो हो जाएंगे उनके लिए एसटी के लिए 156 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और चेस्ट 75 से 280 होना चाहिए। फीमेल के लिए जनरल ओबीसी एससी के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और चेस्ट नहीं देखा जाएगा, ठीक है। और फीमेल के लिए फीमेल में एसटी के लिए 145 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको नोटिस भी दिखा दे रहे हैं, ये नोटिस निकल के आई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोनोइत बोर्ड से यहाँ पे निकल के आया। यहाँ पे आप पद और सब कुछ पूरी डिटेल दी गई है, वेतन क्या पूरी। यहाँ पे हम सिलेबस आपको बता देंगे, सिलेबस में क्या है, ये तो आप अपनी अपनी पोस्ट दे सकते हैं, किसमें कौन सी पोस्ट में कितनी सीट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरी डिटेल आपको दी गई है। इस नोटिस को हम ये भी बता देंगे कैसे डाउनलोड कर लें तो आप पूरी डिटेल आराम से पढ़ सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको पढ़ने में नहीं आ रहा। यहाँ पे हम आपको उदाहरण दो, यहाँ पे हमने ऑनलाइन डेट तो आपको बताई दी है, ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी मतलब बता दी आपको कब से कौन फॉर्म सा फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको सबसे पहले सिलेबस बता दे रहे हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। इसका सिलेबस जो होगा वो देख सकते हैं आप लोग, क्या होगा, लिखित जो परीक्षा होगी उसमें समान हिंदी में, समान हिंदी और कंप्यूटर के 100 अंक के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और समान जानकारी एंड सामानिक विषय के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग के भी, मैथ के जो होंगे 100 अंक 100 मार्क्स के होंगे और जो हो गई ये रीजनिंग वो भी 100 मार्क्स की होगी। यहाँ पे पूरे डिटेल में लिखा है, लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 40% अंक प्राप्त करने के लिए में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे पूरी डिटेल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे हम आपको अगर और कोई भी इस वैकेंसी के लिए वैकेंसी से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ठीक है, रिप्लाई कर देंगे। अगर और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी तो हम आपके लिए दूसरा वीडियो बना देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।